A heartiest welcome to all my subscribers and new viewers. आज कुछ बात करते हैं कुछ motivational, कुछ inspiring video के बारे में कि किस तरह आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को motivate कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपके लिए कुछ inspiring things लेकर आया हूँ जिसको देख के शायद आप inspired होंगे. So हम start करते हैं. एंड प्लीज़ इस वीडियो को फुल देखें. अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए बहुत अप्रिशिएटेबल है. हम आपके एक लाइक के वजह से न्यू वीडियो बनाने में सक्षम होते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि ज़िंदगी और टीचर में क्या फ़र्क है. ज़िंदगी हमेशा टीचर हमेशा हमको पहले पढ़ाता है, उसके बाद टेस्ट लेता है, इम्तिहान, और हमें कुछ सिखाता है. पर ज़िंदगी पहले इम्तिहान लेती है, फिर कुछ सिखाती है. शुरुआत करते हैं कुछ अनमोल वचन से. खुद का अपमान करके जीने से तो अच्छा मर जाना है. खुद का अपमान करके जीने से तो अच्छा मर जाना है, क्योंकि प्राणी के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानियत सहकर जीवन भर दुख रहता है. तो आप ऐसी बातें बोलें कि लोग आपकी बातें सुनकर खुश हों, आपके वजह से किसी की आंखों में खुशी हो, ना कि किसी की आंख में आपके वजह से दुख के आंसू हों. चलो दूसरे बात पे चलते हैं. वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगा, ठोकर से गिरा हूँ अपनी नज़र से नहीं. इंसान हमेशा अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाता है तो वो बहुत तरह के दिमाग में विचार लाता है. वो सोचता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पर ऐसा संभव नहीं. आपने एक अपॉर्चुनिटी खोई है, बट आपके लिए आगे और बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं. एक इंसान कहता है कि वक्त लगेगा पर संभल जाऊंगा, कि वक्त लगा है पर मैं संभल जाऊंगा. दुनिया ठोकर खा के मैं दुनिया की नज़रों में गिरा हूं, अपनी नज़र में नहीं. तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा और मैं दोबारा अपनी मंजिल पा के रहूंगा. कोशिश आप आज से ही कीजिए, कोई बुराई नहीं है. अगर आप कल का इंतज़ार करेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा. उड़ने में बुराई नहीं है, पर आप भी उड़ो, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो. दोबारा कहना चाहूँगा, उड़ने में बुराई नहीं है, आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो. इंसान चाहता है कि मैं अचानक कुछ बन जाऊँ, पर ऐसा नहीं हो सकता. ह्यूमन साइकोलॉजी है कि इंसान कभी भी एक चीज़ पे टिक नहीं पाया है और वो हमेशा अपने लिमिटेशन से आगे बढ़ना चाहता है. इसलिए आप उड़ो, बट इतना ऊपर उड़ो कि आपको ज़मीन साफ दिखाई दे, क्योंकि अगर सीधा कोई उड़ना चाहे तो उसे वापस ज़मीन पे आना पड़ता है. एरोप्लेन भी अगर उड़ता है, एक छोटा सा मुहावरा दे रहा हूँ, एरोप्लेन भी उड़ता है तो उसका तेल ख़त्म होने पर नीचे आना पड़ता है. और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप उड़ो, बट लिमिट में उड़ो, क्योंकि ऐसा क्या था कि रावण हार गया. उसके पास बल, बुद्धि, सब कुछ था, पर ऐसा क्या था कि वो हार गया. तो आप सोचोगे कि शायद उसके साथ उसका सपोर्ट नहीं था, बट सपोर्ट सब कुछ था. बस उसकी एक कमी थी कि बल के साथ उसके अंदर घमंड था. एटीट्यूड पावर के साथ उसके पास एटीट्यूड था, जिसको उसने नेगेटिव वे में इस्तेमाल किया और उसको हार का सामना करना पड़ा. तो अगले पे चलते हैं. अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलें, इरादे नहीं. आप क्या कर रहे हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, उसको आप बदलिए, ना कि इरादे बदलिए. जैसे कि मैं आपको बताऊँगा कि एक छोटा सा फिर इसके लिए मुहावरा लेना चाहूँगा कि हम पैसा कमाने जाते हैं, हम कुछ भी कर लेते हैं पैसा कमाने के लिए. पर आप ये तो सोच के देखिए कि पैसा कमाते वक्त आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, कैसे आप वो बन रहे हैं. अगला, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता,
कांच खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तरीके पर तकदीरों पर टाला नहीं जाता। रिश्ते वो नहीं जिसमें रोज बात हो, रिश्ते वो भी नहीं जिसमें रोज साथ हो। रिश्ता तो वो है जिसमें कितनी भी दूरियां हो, लेकिन दिल में हमेशा उनकी याद हो। आपको रिश्ता अपनी कामयाबी से करना है और आपको आगे जाना है। एक इंसान ने बहुत सच कहा था कि जीवन में ऊंचे उठते समय लोगों से सद्व्यवहार रखें, क्योंकि यदि कभी आपको नीचे आना पड़ा तो सामना इन्हीं लोगों से होगा। तो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखें। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, तुम कब गलत थे इसे कोई नहीं भुलाता। दुनिया हमेशा गलती की तरफ ज़्यादा इंसान को कोसती है, ना कि उसने क्या अच्छा काम किया है। इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वे छोटी छोटी बातें समझने लगे। बड़ा सोचो जल्दी सोचो, बड़ा सोचो जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिर नहीं है, क्योंकि थिंग्स विल नेवर चेंज बिफोर यू थिंक। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। आप हमेशा कोई बड़ा काम करने जाएंगे, आपको दुनिया कहेगी कि आप ये नहीं कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा मज़ा वही है जब आप वो काम करके उनको दिखलाएं। एक एटीट्यूड वाली लाइन में आपको बताना चाहूँगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। हमेशा जी अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड लाओ और इन्जॉय करो अपनी लाइफ। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं लोग, जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा हटा कर देखेंगे लोग। आप कुछ ऐसा काम कर जाइए कि आपको अभी लोग कुछ नहीं बोलते हैं, बट आप मरने के बाद भी आपको देखने के लिए लोग आएं। अगला, इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता है। तो आपको सबसे पहले अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। सत्य वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद पाओ। झूठ वह कर्ज है जिससे सटीक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। जिंदगी छोटी नहीं है, बल्कि छोटी इसलिए लगती है क्योंकि समय का सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा किया जाता है। सो यूज़ योर टाइम इन ए लॉजिकल वे। पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो कि तुम की जो तुम्हें करना है। पहले सोचो उसके बाद कुछ करो। जब आप गुस्से में हो तब कोई फैसला ना लें, और जब आप खुश हो तब किसी से वादा ना करें, क्योंकि दोनों चीज़ हमेशा गलत हो जाती हैं। विश्वास नहीं होता, कभी आप अपनी ज़िंदगी में आजमा के देखिएगा। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। तो कभी भी आपको कोई ठोकर या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी घबराए ना, टेक सेकंड अटेम्प्ट और उसको सुधारें। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है उसने ही इतिहास रचा है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। आप हमेशा अपने बारे में खुद सोचिए, दूसरों की राय ना लीजिए। खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि किसी दूसरे की बुराई का वक्त ही ना हो। आप अपने स्टडीज, आप जो भी काम करें उसमें इतना डेडिकेट हो जाइए कि आपको किसी और के बारे में चिंता करने की टाइम ही ना बचे। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब। हमें आपके लाइक और सब्सक्राइब का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है।